बस अब गाइस ये एक अपडेट वीडियो होने वाला है। यहाँ पे मैं बहुत लंबा नहीं करने वाला ये वीडियो को, तो बेसिकली आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जब बेसिकली न्यूज आ रहे थे ना गेम के रिगार्डिंग कि गेम बैन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो गरीना फ्री फायर ने ई स्पोर्ट्स सेक्शन जो था उनके गेम से उड़ा दिया था। तो बेसिकली आज मैंने चेकआउट किया एंड थैंक्स टू FF eSports मैंने, उन्होंने पहले मुझे अपडेट दिया। तो मैंने जब गेम खोला, वेट करो मैं गेम यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो जब मैंने गेम एक्चुअली खोला तो इवेंट्स में यूजुअली जो पहले आपका eSports सेक्शन गायब हो गया था, ठीक है, मैंने इवेंट्स पे क्लिक किया है, यहाँ से जो eSports सेक्शन गायब हो गया था ना यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे फिर से वापस आ चुका है। आप ये प्री कस्टम रूम में जाओगे तो आपको eSports वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप जो पहले दिख रहा था वो जो गायब हो गया था, इट्स बैक। तो आई होप कि ये देख के थोड़ा बहुत, अगर आप मैं यहाँ पे गो टू भी करूँगा तो उनका मेन वेबसाइट खुल जाता है, यहाँ पे फ्री सारे फ्लैगशिप इवेंट्स के बारे में सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए, शेयर किया हुआ है। तो बेसिकली एक अच्छी खबर है क्योंकि मैं हर चीज़ पे आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अगर पता लग जाता है थोड़ा बहुत जो मेरे पास छोटा सा जो मेरे पास आप लोगों की फैमिली टाइप है, मैं उनके साथ अपडेट शेयर करता रहता हूं। तो जिन लोगों को FFIC के बारे में अपडेट चाहिए था या फिर गेम के बारे में अपडेट चाहिए था, तो येस करेक्ट, आपको अपडेट मिल रहा है एंड ये अच्छी बात है कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेम शायद जल्दी से आ जाए। येस, दिस वॉज माई पॉइंट जो मैं शेयर करने आया था। आई होप कि आप लोगों को ये देख के थोड़ा बहुत होप और आया है। तो फिर भी वेट करो, तब तक जॉय करो गेम को, फ्री फायर मैक्स पे और क्या।